अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम सोशल मीडिया टिप्स है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब जो है मोनेटाइजेशन से पहले व्यू आते हैं इसके पैसे देता है या नहीं देता। दूसरी चीज़ ये कि क्या जो हमारी वीडियो पर एड्स वगैरह चलते हैं मोनेटाइजेशन से पहले, क्या यूट्यूब उसके पैसे देता है या नहीं देता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर मेरा जो चैनल है वो अभी जाकर मोनेटाइज हुआ है। इस पे जो व्यू है मैक्सिमम आप देख सकते हैं 1,24,000 के करीब जो है व्यू आ चुके हैं। इतने व्यू आए हैं तकरीबन ये मैक्सिमम $120 बन जाते हैं अगर यूट्यूब एक हज़ार व्यू का $1 दे तो मैक्सिमम $120 बन जाते हैं। तो इसके बाद CPM और RPM वगैरह डाल के तकरीबन 150 के लगभग जो $1 बन जाते हैं। क्या आप ये YouTube मुझे देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। उसकी वजह क्या है? YouTube का क्राइटेरिया है कि जब तक आप 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं करते, यानी कि ये इनका टास्क है, जब तक आप इनके टास्क को कंप्लीट नहीं करते तब तक आपकी एलिजिबिलिटी जो है उसको आप ये ऑन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी को ऑन करने के लिए आपको चाहे 1,00,000 व्यू आ जाता है, चाहे 2,00,000 आ जाए, चाहे 5,00,000 आ जाए, जितने भी व्यू आ जाए यूट्यूब उसका एक रुपया भी नहीं आपको देने वाला। सबसे पहले मोनेटाइजेशन का जो इनकी पॉलिसीज है कि आपने इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करना है, उस क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के बाद ही ये आपको पैसे देंगे। इससे पहले जितने भी व्यू आएंगे वो आपके ज़ाया हो जाएंगे, इनका कोई भी पैसा नहीं होता। अगर कोई बंदा कहता है कि इतने व्यू पे इतने, वो देते हैं, बिल्कुल देते हैं, मोनेटाइजेशन होने के बाद देते हैं। सबसे पहले इसकी मोनेटाइजेशन ऑन होनी चाहिए, उससे पहले जितने भी व्यू आए हैं वो सब बेकार हैं, उनका कोई रुपया भी नहीं मिलेगा और ना ही किसी ऐड का कोई भी रुपया यूट्यूब देता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।